मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रियो और तेमारी बैंक को लूटने के लिए बैंक में जाते हैं। और आप सब यही सोच रहे होंगे कि रियो बैंक को क्यों लूट रहा है। दरअसल ये पुलिस का ही प्लान होता है ताकि बैंक के लोगों को सावधान कर सके, जब बैंक को लूटने आए कोई तो कैसे उसका मुकाबला करें। और तभी बाहर हम वैन में देखते हैं कि चीफ की टीम रियो को वॉच कर रही होती है और रियो बैंक के अंदर असली चोरों की तरह हरकतें करता है और पूरी बैंक को लूट लेता है। और बाहर चीफ सिग्नल का इंतजार कर रहे होते और तभी उनको सायरन का आवाज सुना देता है और बाहर निकलते हैं। और तभी उनको दिखता है कि बहुत सी पुलिस की गाड़ियां जा रही है और तभी चीफ और उनकी टीम उस बैंक की तरफ बढ़ते हैं। तभी उनको दिखता है कि रियो बैंक को लूट के भाग जाता है। एंड दैट टाइम उनको वॉकी टॉकी के जरिए मैसेज आता है कि आगे के बैंक में चोरी हो गई है। तो चीफ समझ जाते हैं कि वो सभी के सभी गाड़ियां उस बैंक की तरफ जा रही होंगी, तो वो बिना समय गवाए वहां से निकल जाते हैं। और रियो भी दूसरी बैंक के पास पहुंच जाता है और रियो को वहां पर चोर दिखते हैं और उसको लगता है कि यहां पर भी पुलिस की प्रैक्टिस चल रही होंगी। तभी चीफ की टीम वहां पर पहुंच जाती है और नाकागावा उसे बताते हैं कि सर ये सब असली चोर है। तो ये सुनते रियो नकली गन निकालता है और उन पर चलाता है और पुलिस वाले उन सभी चोरों को पकड़ लेते हैं। एंड इसके बाद चीफ रियो के पास से जितने भी उसने पैसे चुराए होते हैं वो सभी के सभी ले लेते हैं। और तभी उन चोरों के पास से एक बैग मिलती है और उस बैग में टाइम बम होता है जिसे फटने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे होते हैं। और तभी रियो उसको लेकर भाग जाता है और होंडा की बाइक पर बैठ जाता है और होंडा उसे नदी किनारे फेंक कर भाग जाता है। उसे फटने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे होते हैं और यहाँ पर रियो की पूरी तरह से फट चुकी होती है। और तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए बॉम्ब स्पॉट का ऑफिसर आता है और उसे डिफ्यूज कर देता है और वो अपना नकाब हटाता है तो वो खूबसूरत लड़की होती है। एंड इसके अगले दिन हम देखते हैं कि रियो मस्त साइकिलिंग करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। तभी उसको दिखता है कि उसके बचपन की फेवरेट जगह पर किसी शिरातोरा ने बिल्डिंग बनाई है, तो इस बात से गुस्सा हो जाता है और गुस्सा निकालने के लिए वो उस बिल्डिंग पर पत्थर मारता है कि तभी वो बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो जाती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ सार्जेंट के पास जाते हैं ये छानबीन करने के लिए कि वो बिल्डिंग कैसे गिर गई। तो सार्जेंट उन्हें बताते हैं कि ये सब काम बेंटन नाम के एक क्रिमिनल ने किया है, उसने बिल्डिंग में टाइम बम लगा दिया था जिससे वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। और FBI ने बेंटन को पकड़ने के लिए एक ऑफिसर को हमारे पास भेजा है। कभी वो ऑफिसर अंदर आती है तो वो वही लड़की होती है और वो अपना नाम लीजा बताती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि चीफ रियो को जबरदस्ती लीजा के वर्कशॉप में भेज देते हैं ताकि रियो बॉम्ब कैसे डिफ्यूज किया जाए ये सीख सके। और वहां पर हम देखते हैं कि लीजा सभी ऑफिसर्स को बॉम्ब कैसे डिफ्यूज किया जाए ये सिखा रही होती है। और तभी वो अपना AI रोबोट डैडी निकालती है जो खास करके बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए बनाया गया होता है। और तभी हम देखते हैं कि रियो मस्त सो रहा होता है और ये सब लीजा देखती है और डैंडी को ऑर्डर देती है कि जाके रियो को उठाओ। तो डैंडी रियो के चेयर के सारे नटबोल्ट खोल देता है और बेचारा रियो वहीं पर गिर जाता है। और इस बात से रियो सु गुस्सा हो जाता है और डैंडी को पैर से मारता है तो उसके पैर को चोट लग जाती है। और लीजा बताती है कि इसकी बॉडी हाइपर टाइटेनियम से बनी हुई है। तो ये सुनकर रियो सु और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना रोबोट डेंसु के 28 लेकर आता है और लीजा को चैलेंज करता है और कहता है कि चलो मुकाबला हो जाए किसका रोबोट सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो लीजा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और उन दोनों में मुकाबला स्टार्ट हो जाता है कि सबसे पहले कौन बॉम्ब डिफ्यूज करेगा। और जो सबसे पहले बॉम्ब डिफ्यूज करेगा वो जीत जाएगा और जो बॉम्ब डिफ्यूज नहीं कर पाएगा उसके ऊपर 10 टन का पत्थर गिरा दिया जाएगा। और तभी उन दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है और डैडी जल्दी करके बॉम्ब डिफ्यूज करने के काम पर लग जाता है और रियोसु अपने रोबोट को रिमोट से कंट्रोल करके डैडी के ऊपर अटैक कराता है। तो रिटर्न में डैडी भी उस पर अटैक करता है और डैडी जल्दी करके बॉम्ब डिफ्यूज कर देता है और वो जीत जाता है और रियोसु का रोबोट हार जाता है, इसलिए उसके रोबोट के ऊपर 10 टन का पत्थर गिरा दिया जाता है और रियोसु का रोबोट पूरी तरह से तबाह हो जाता है और उसके पैसे पूरी तरह से डूब जाते हैं। एंड दैट टाइम हेडक्वार्टर से मैसेज आता है और सभी के सभी हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। तभी चीफ उन सबको बताते हैं कि बेंटन का नया मैसेज आया है और वो अगेन शिरातोरा की बिल्डिंग को उड़ाने वाला है। और हमें लगता है कि बेंटन का शिरातोरा के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है क्योंकि उस कंपनी की CEO टोराजो शिनाडा वो बहुत बड़ा कमीना है और उस पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस भी लगे हुए हैं। तो ये सब सुनकर लीजा बिना समय गवाए
हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है और रियोसु को जबरदस्ती हेलीकॉप्टर से लटकाकर अपने साथ लेके जाती है और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही बॉम्ब ढूंढने काम पर लग जाते हैं। और तभी वहां पर शिनाडा और चीफ की टीम भी पहुंच जाती है और इधर अंदर लीजा बॉम्ब को ढूंढ लेती है और बॉम्ब बहुत ऊपर होने के कारण डैडी का हाथ वहां पर पहुंच नहीं पाता है, इसलिए रियोसु उसको उठाता है। तभी डिफ्यूज करने की बजाय लीजा जानबूझकर डैंडी के पीछे से गैस छोड़ती है और गैस रियोसु के नाक में जाती है और उसको संभाल नहीं पाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी डैंडी के हाथ से टाइम और ज्यादा कम हो जाता है और तभी वो दोनों वहां से भाग जाते हैं डैंडी को लेकर। और बाहर निकलती वो तीनों ये सब बात उन सभी को बताते तो वो सब थोड़ी दूर चले जाते हैं और तभी बॉम्ब फट जाता है और वो बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है। लेकिन उस बिल्डिंग में से एक तिजोरी निकलती है और डैंडी उस तिजोरी के पास जाता है और उसको खोलता है तो उसमें से पैसे निकलते जो कि शिरातोरा ने टैक्स चोरी करके कमाए होते हैं, इसलिए ऑफिसर उसको पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए लेके जाते हैं। एंड इसके अगले दिन हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि लीजा बिल्डिंग गिरने का सारा इल्जाम रियोसु पर डाल देती है। तो रियोसु कहता है कि ये सब तुम्हारे रोबोट की वजह से हुआ था, तो लीजा कहते है कि उसको बिगाड़ा भी तुमने ही था। और इस बात पर दोनों झगड़ने लग जाते हैं तो चीफ लीजा की बातों पर यकीन कर लेते हैं और रियोसु को दोषीवार ठहराते हैं। इसके बाद रियोसु डैडी के पास जाता है और अपना गुस्सा उस पर निकालता है और उस पर मार्कर से लिख देता है। और तभी डैंडी अलार्म बजाता है और चीफ की टीम वहां पर पहुंच जाती है और उनको दिखता है कि रियोसु ने मार्कर से डैडी पर लिखा है। इस बात से चीफ गुस्सा हो जाते हैं और 2 वीक के लिए रियोसु को सस्पेंड कर देते हैं। और इसके 2-3 दिन बाद रियोसु से मिलने के लिए नाकागावा जाता है तो उसको वहां पर साकोंजी और वॉल्वो मिलते हैं और वो दोनों वहां पर रियोसु पर नजर रखने के लिए होते हैं। और नाकागावा रियोसु के रूम में जाता है तो रियोसु जमीन के अंदर से निकलता है और उसने बहुत बड़ी सुरंग बनाई होती है और नाकागावा इस बारे में पूछता है तो रियोसु बताता है कि वो शोगन का गड़ा हुआ खजाना ढूंढ रहा है। और ये सुनकर नाकागावा वहां से चला जाता है और रियोसु अपने काम पर लग जाता है। और तभी वहां पर सुरंग खोदने वाले भी आ जाते हैं और इतनी बड़ी सुरंग खोदी हुई देखकर वो समझ नहीं पा रहे होते कि इतनी बड़ी सुरंग खोदी किसने, तो ये जानने के लिए वो सुरंग का पीछा करते हैं। और तभी पुलिस स्टेशन के बाहर हम देखते हैं कि भूकंप आ जाता है और सारे के सारे पोल्स गिर जाते हैं और ये सब चीप और उसकी टीम देख लेती है। और नाकागावा रेगो को बताता है कि ये सब रियोसु सर की वजह से हो रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि बेंटेंग का अगेन मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं इस बार फिर से शिराटोरा की ओशन नाम की बिल्डिंग को तबाह कर दूंगा। तो ये सुनते ही चीफ की टीम वहां पर पहुंच जाती है और लीजा और शिराटोरी कंपनी का ओनर शिनाडा भी वहां पर पहुंच जाता है। और तभी कुछ बच्चे वहां पर आते हैं और वो बताते हैं कि हमारे फ्रेंड आजुका अंदर फंसी हुई है। तो इस सुनते ही लीजा बिना समय गवाए बिल्डिंग के अंदर चली जाती है और तभी वहां पर खजाना खोजते हुए रियोसु भी पहुंच जाता है। और रियोसु को देखकर लीजा खुश होती है और बताती है कि बिल्डिंग 5 मिनट में उड़ने वाली है और वो ये भी बताती है कि यहाँ पर एक बच्ची फंसी हुई है, प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। तो इस सुनते ही रियोसु उस बच्ची को ढूंढने काम पर लग जाता है और रियोसु बच्ची को ढूंढ लेता है और वो देखता है कि वो बच्ची पाइप के अंदर फंसी हुई है। तो तभी वो लीजा को बताता है और लीजा डिसाइड करती कि वो बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगी और तभी वो बॉम्ब की स्क्रीन पर अपना फिंगरप्रिंट लगाती है और वो बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही बेंटेन होंगी। और रियो भी पाइप को तोड़कर आजुका को बाहर निकाल लेता है जिसके कारण पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो तभी वो तीनों वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद चीफ की टीम मलबा हटाती है तो उनको वहां पर एक सुरंग दिखती है। इसका मतलब यह है कि रियोसु अभी भी ठीक है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो रियोसु गड़े के सहारे आजुआ को बाहर निकालता है और लीजा को भी बाहर निकालता है और ये देखकर लीजा खुश होती है। तभी उसको उसके बचपन के दिन याद आते हैं जब वो ऐसी ही मुसीबत में पड़ी थी तब उसको एक आदमी ने बचाया था। और ये देखकर लीजा खुश होती है और रियोसु से पूछती है कि तुम ये जमीन के अंदर गड्ढे क्यों खोद रहे हो। तो रियोसु बताता है कि मैं गड़ा हुआ खजाना ढूंढ रहा हूँ और तभी उसको याद आता है कि उसको खजाना ढूंढ रहा है, इसलिए वो आजुगा को लीजा के पास सौंप देता है और खजाना ढूंढने काम पर लग जाता है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग शिरातोरा की बिल्डिंग के बाहर धरना दे रहे होते हैं और उनको पता चल चुका होता है कि उसने अपनी बिल्डिंग दरअसल लोगों की जमीन जबरदस्ती छीनकर बनाई थी। और सब चीफ की टीम देख रही होती है और वो इस बारे में बात कर रहे होते हैं और रेको को लीजा पर शक हो रहा होता है और वो इस बात से हैरान होती है कि लीजा ने बिना इक्विपमेंट के
बॉम्ब को डिफ्यूज कैसे किया, उसको कुछ गड़बड़ लगती है। एंड इसके बाद रात को हम देखते हैं कि लीजा फायरवर्क्स देख रही होती है, तभी वहां पर खजाना खोजते हुए रियोसु भी पहुंच जाता है और लीजा और रियोसु साथ में फायरवर्क्स देखते हैं। तभी लीजा उसको बताती है कि मैं यहाँ पर ही पली पड़ी हूँ, दरअसल मैं जब छोटी थी यहाँ पर ही रहती थी और मेरे डैड के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा था, इसलिए वो फायरवर्क्स फैक्ट्री में काम करते थे। लेकिन एक दिन फायरवर्क्स फैक्ट्री में आग लग गई और वो उसमें झुलस कर मर गए और उसके बाद में अपनी रिलेटिव्स के साथ यूएस में सेट हो गए। और इतने सालों के बाद यहाँ पर आई तो देखा कि यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हो गया है। और वो आगे ये भी बताती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं मुसीबत में पड़ी थी, तब मेरी एक आदमी ने मदद की थी। तो रियोसु उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो कुछ भी नहीं बताती है। एंड दैट टाइम वो दो जमीन खोदने वालों को खजाना मिल जाता है और देखकर रियोसु की जल जाती है और रियोसु उसे पकड़ने के लिए भागता है, तभी वो खुद के बनाए गड्ढे में गिर जाता है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि रियोसु से मिलने के लिए रिको आती है और वो बताती है कि तुम्हें पता है लीजा के डैड पर बहुत बड़ा कर्जा था और वो कर्जा और कोई नहीं बल्कि शीरा तोड़ा का था और वो जिस फायरवर्क्स फैक्ट्री में मारे गए थे उस फायरवर्क्स फैक्ट्री को आग और कोई नहीं बल्कि शीरा तोड़ा ने ही लगाई थी। तो ये सब सुनकर रियोसु हैरान होता है और तभी उसको याद आता है कि लीजा ने उस दिन अपने फिंगरप्रिंट से ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया था और उसने कल ये भी कहा था कि बेंटेन अभी जा चुका है। तो रियोसु को लगने लग जाता है कि लीजा ही बेंटेन होगी और इसके बाद रियोसु लीजा के पास जाता है तो वो बॉम्ब बना रही होती है और तभी लीजा एक्सेप्ट करती है कि मैंने उस दिन बॉम्ब लगाए थे और वो अपने आप को सरेंडर करती है। तभी रियोसु कहता है कि तुमने कहा था कि बेंटेन अभी जा चुका है तो इसका मतलब कि तुम अभी बेंटेन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। और एक कहकर वो वहां से चला जाता है और लीजा इस बात से खुश होती है। और उसके अगले दिन हम देखते हैं कि बहुत से लोग शीराटोरा के खिलाफ मोर्चा निकालते क्योंकि उसने लोगों की जमीन छीन कर वहां पर फैक्ट्री बनाई होती है। और तभी हम उसके ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर वो अम्यूजमेंट पार्क खोलने का प्लान कर रहा होता है और तभी उसका कमीना असिस्टेंट उसको कहता है कि बेंटेन अभी बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, क्यों ना हम उसके नाम का इस्तेमाल करके अपना अम्यूजमेंट पार्क खोले तो हमारी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो जाएगी। तो ये आइडिया शीराटोरा को पसंद आता है और रियोसु 2 वीक्स के लीव के बाद अपने काम पर वापस आ जाता है। तभी उसके पुलिस स्टेशन के टीवी पर न्यूज आती है कि बेंटेन शीराटोरा के अम्यूजमेंट पार्क को खोलने वाला है। तो ये सब सुनकर रियो को ये बात फेक लगती है क्योंकि बेंटेन कभी भी शीराटोरा का साथ नहीं देगा और उसका लोगो भी फेक होता है। और ये सब देखकर रियोसु अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाता है। और इधर हम देखते हैं कि शीराटोरा अम्यूजमेंट पार्क को खोल देता है और अपने असिस्टेंट को पूछता है कि बॉम्ब तुमने कहाँ पर लगाया है और वो कितना बड़ा है। तो उसका असिस्टेंट बताता है कि हमने बॉम्ब रॉकेट में लगाया है और वो 1 टन का है। और इस सुनते ही शीराटोरा की घान फट जाती है और वो कहता है कि चूतिए, इतना बड़ा बॉम्ब लगाने की क्या जरूरत थी, ये पूरे जापान को उड़ा देगा, अब हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। और इस सुनते ही उसके असिस्टेंट की घान फट जाती है और वो दोनों कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। तभी रियोसु भी वहां पर पहुंच जाता है और उनकी कार पर चढ़ जाता है और उसका असिस्टेंट रियो को बताता है कि हमने यहाँ पर बॉम्ब लगाया है जो जल्दी फटने वाला है। तो तभी वहाँ पर चीफ भी आ जाते हैं और रियोसु उनको बताता है कि इन्होंने बेंटेन का नाम यूज करके यहाँ पर बॉम्ब लगाया है। और उसका असिस्टेंट रियोसु को कार के ऊपर से फेंक देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और रियोसु एक आयरन रॉड से टकराता है और वो आयरन रॉड गिर जाती है और वो रॉकेट भी जमीन के टनल के अंदर गिर जाता है जिसमें बॉम्ब होता है। और तभी सभी पुलिस वाले वो इलाका खाली कर देते हैं और तभी साकोंची वहाँ पर आता है और उन सबको बताता है कि वो बॉम्ब ट्रेन के टनल वाले हिस्से में गिर गया है, अगर वो बॉम्ब वहाँ पर फट गया तो टोक्यो का बहुत बड़ा इलाका तबाह हो जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके पीछे पीछे रियोसु भी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो वॉकी टॉकी के जरिए अपने चीक को बताता है कि वो भी बॉम्ब डिफ्यूज करने जा रहा है। और तभी वो ट्रेन वाले टनल में जाने वाले होते हैं तभी रियोसु को एक भौरा मिलता है और वो उसको अपने पास रख देता है। इसके बाद वो तीनों टनल के अंदर जाते हैं और बॉम्ब के पास पहुंच जाते हैं और तभी वहां की जमीन खिसकती है और वो बॉम्ब लीजा के ऊपर गिरने वाला होता है। तभी रियोसु लीजा को बचाने के लिए उसको धक्का मारता है और डैंडी रियोसु को बचाने के लिए उसको धक्का मारता है और वो बॉम्ब डैंडी के ऊपर गिर जाता है और डैंडी का सिस्टम पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। और ये सब देखकर लीजा रोने लग जाती है और रियोसु भी रोने लग जाता है। तभी वो अपने आंसू पोंछता है और कहता है कि
ये वक्त रोने का नहीं है बल्कि कुछ कर दिखाने का है। तभी लीजा समझ जाती है और बॉम्ब को डिफ्यूज करने काम पर लग जाती है, बट उसका हाथ वायर तक नहीं पहुंच पाता है। तभी योसु अपना दिमाग लगाता है और वो भोरा निकालता है जो उसने यहाँ पर आने से पहले उठाया था, और योसु उस भोरे को घुमाता है और रेड वायर पर फेंक देता है, और उस भोरे की वजह से रेड वायर टूट जाता है और बॉम्ब डिफ्यूज हो जाता है। और ये बात वो अपने चीफ को बताता है तो चीफ और उसकी टीम ये सुनकर खुश हो जाती है, और लीजा खुश होकर योसु को गले लगाती है। और लीजा के गले लगाने से रियोसु खुश हो ही रहा होता है कि तभी वो बॉम्ब फिर से एक्टिव हो जाता है और रॉकेट की स्पीड से वहां से भाग जाता है। तभी रियोसु उसके ऊपर बैठ जाता है उसको रोकने के लिए, बट उसे वो रोक नहीं पाता है। तभी रियोसु अपने चीफ को ये बात बताता है कि बॉम्ब फिर से एक्टिव हो गया है, और सुनते वो सब पैनिक हो जाते हैं। और तभी चीफ बिना समय गवाए रेलवे के हेडक्वार्टर में जाते हैं, तो उनको वहां पर रियोसु की लोकेशन दिखती है। और तभी वहां पर सर्जन आते हैं और वो बताते हैं कि हम उस बॉम्ब को उड़ाने वाले हैं, और उस बॉम्ब को उड़ाने के लिए हमने अगले स्टेशन पर बॉम्ब लगाया है। तो ये सुनती चीफ गुस्सा हो जाते हैं और उनको ऐसा करने से रोकते हैं, पर सार्जन चीफ की एक भी बात नहीं सुनते। और तभी चीफ रियोसु को वॉकी टॉकी के जरिए बताते हैं कि अगले स्टेशन पर बॉम्ब लगे हैं, और इस सुनते रियोसु डर जाता है और बॉम्ब को ऊपर रोड पर लेकर जाता है। और ऐसा करने के लिए सार्जन चीफ पर चिल्लाते हैं, और चीफ कहते हैं कि ये सब कुछ उस बेवकूफ पर छोड़ दीजिए, मुझे यकीन है वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके रहेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो सार्जन चीफ की बात को मान लेते हैं, और तभी पूरे वर्ल्ड में न्यूज एयर होती है कि बॉम्ब को रोकने के लिए रियोसु अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। और ये न्यूज न्यूयॉर्क ब्राजील और चाइना में भी एयर होती है, और ये न्यूज मारिया भी देख लेती है। तभी वो रियोसु की जान बचाने के लिए जापान की तरफ भागती है, और इधर रियोसु चीफ को कहता है कि मैं इस बॉम्ब को आसमान में ब्लास्ट करने वाला हूँ, इसलिए आप सब कोचिडोको ब्रिज को खोल दीजिए। तो चीफ रियोसु की बात मान लेते हैं और इस काम पर लग जाते हैं, और होंडा उस ब्रिज को खोलने वाले बुड्ढे को वहां पर लेकर आता है, और वो बुड्ढा उस ब्रिज को खोल देता है, और रियोसु उस ब्रिज के जरिए बॉम्ब को आसमान में लेके जाता है। तभी उसको शिराडा का प्लेन दिखता है, इसलिए बॉम्ब को उसकी तरफ मोड़ता है और बॉम्ब को सीधा उसके प्लेन से टकरा देता है, और प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और जापान के सभी लोग बच जाते हैं। और बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज पूरे वर्ल्ड में एयर हो जाती है, और वो सब खुश हो जाते हैं, और ये न्यूज रियोसु के मॉम डैड भी देख लेते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बट शिराडा बच जाता है पैराशूट की वजह से। तभी रियोसु ऊपर से उसके ऊपर गिरता है और पैराशूट को फाड़ देता है, और सीधा उसको पुलिस स्टेशन में लैंड कराता है। एंड इसके अगले दिन हम देखते हैं कि लीजा को लेने के लिए फाइटर प्लेन आता है, और लीजा उसपे बैठ जाती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब वो रियोसु से कभी मिल नहीं पाएंगी। और तभी रियोसु उसको कहता है कि रो मत लीजा, रोने वाले बच्चों को ऊपर वाला कभी भी पसंद नहीं करता। और इस सुनते लीजा को उसके बचपन के दिन याद आते हैं, जब वो मुसीबत में थी तब जिस अंकल ने उसको बचाया था उसने भी यही बात कही थी। और इस सुनते लीजा खुश होती है और वहां से उड़कर यूएस के लिए निकल जाती है। और तभी वहां पर डैंडी आ जाता है बिल्कुल न्यू होकर, और डैंडी को देखकर रियोसु खुश होता है और खुशी के मारे उसको गले लगाता है और रोने लग जाता है। तभी डैंडी अबला बदला लेने के लिए उसके पीठ पर मार्कर से लिखता है, और तभी वहां पर दौड़ते हुए मारिया भी आ जाती है और रियोसु के गले लगती है और कहती कि अब हमें शादी करनी होगी। तो रियोसु उसको ना कहता है और कहता है कि समझने की कोशिश करो मारिया, तुम लड़की नहीं लड़का हो। और वो ये कहता है कि तभी उसका पुलिस स्टेशन और बाकी के जितने भी घर होते हैं वो जमीन के अंदर धस जाते हैं, क्योंकि रियोसु ने गड्ढा बनाया होता है जमीन के नीचे। और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है।